न्यूज बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मिली गुप्ता। अरवल के वंशी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक विद्यालय कलवलिया बिखा में सुरक्षित शनिवार के कार्यक्रम के तहत पटाखों के प्रदूषण से बचने की जानकारी दी। आइए देखते हैं। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में पटाखों के प्रदूषण से बचाव पर चर्चा करते हुए शिक्षकों ने बच्चों के साथ इस विषय पर चर्चा की और साथ ही बच्चों को पटाखों से बचने के लिए जानकारी भी दी। शिक्षक आलम ने चर्चा के उपरांत कहा कि बाजार में बिकने वाले सभी पटाखे मानव सहित सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, जिनके प्रयोग से सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद तेजी से फैल रहे विषैली गैसों से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। दिवाली के पटाखों के बेखौफ प्रयोग से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि जहरीले गैस हवा में प्रचुरता के साथ फैल जाता है, जो लोग और सभी जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव छोड़ता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय प्रधान ने बच्चों से अपील की, इस दिवाली कम मात्रा में पटाखों का उपयोग करें, स्वच्छता एवं सफाई के साथ ज्यादा से ज्यादा दीप जलाकर जीवन को प्रकाशमय करेंगे। पिछले वर्ष भी इस विद्यालय के बच्चों ने शपथ ली थी। इस अवसर पर शिक्षा समिति के सचिव देवंती देवी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अरवल से निशांत कुमार की रिपोर्ट। बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।